अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बकरी की कलेजी। ये आपने बकरी की कलेजी में आपने डालना है सिरका। सिरका हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अच्छी तरह ये ना इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। कि 2 स्पून जो है ना, टेबल स्पून आपने सिरके की डालनी है। डाल के अच्छी तरह पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरह, ये 1 टीस्पून आपने सॉल्ट मिक्स कर दी। मिक्स करके आपने ज़रा इसको पानी में डीप करके रखना है, ठीक है। अभी हमने चॉप हुए प्याज लिए हैं। अब 1 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे इसको, लाइट ब्राउन करना है। इसमें 1 टीस्पून हमने हल्दी डालनी है। फिर अच्छी तरह फ्राई करके 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली, रेड चिली के बाद हमने 1 टीस्पून जो है ना इसमें हमने डालना है ये पपरिका पाउडर। ये लहसुन अदरक चॉप करके हम डालनी है। इसकी पेस्ट हमने चॉप करके डालनी है, अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसके बाद ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया, इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ऐड करके अच्छी तरह फ्राई करें। और 1 टीस्पून हमने चुटकी जो है ना आप ले लें दालचीनी का पाउडर। अभी टमाटर की पेस्ट बना ली हमने, 3 टमाटर लिए हैं उसकी पेस्ट बनाई है। ये देखिए अच्छी तरह हमने जो इसको सिरका वगैरह डाल के हमने इसको डीप करके रखा था कलेजी को। अब इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। देखिए वॉश कर लिया हमने, वॉश करके अच्छी तरह स्ट्रेन करके फिर हमने इसमें ऐड करना है जो मसाला बनाया मैं इसमें कलेजी को। अच्छी तरह फ्राई करें। देखें जब तक इसका पानी जो है ना ये पानी नहीं छोड़ रही तब तक आपने इसको फ्राई करते रहना है। अच्छी तरह हमने भून लिया इसका, देखिए भून के हमने इसको रेडी कर लिया। अब इसके बाद आपने इसमें डालना है लेमन जूस। 2 लेमन जूस आप कितना है, देखिए लेमन जूस डालना है। इसके लिए इसके बाद आपने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब गार्निश के लिए हमने डालना है धनिया और सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल के हमने गार्निश कर लिया है। अब ये हमारी बकरी की कलेजी होगी है रेडी। देखिए बहुत ही मज़े की बनी है कलेजी, ना स्मेल आई है ना कुछ।